नमस्कार, मैं प्रिया। आज 10 मार्च। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप क्रिकेट से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे YouTube चैनल चक दे क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। अब चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। पटना उच्च न्यायालय, पटना ने निकाली रिक्तियां। बिहार में किसानों से 4 तरह की उपज खरीदेगी सरकार। बिहार में अब होगा जैविक गुड़ का उत्पादन। स्थानीय समितियों की बैठक में शामिल हो सकेंगे अब ये अधिकारी। पीएम आवास योजना के तहत 2,00,000 नए लाभुकों को मिली पहली किश्त। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना उच्च न्यायालय, पटना ने निकाली रिक्तियां। पटना उच्च न्यायालय ने स्टेनोग्राफर के कुल मिलाकर 129 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 10+2 80 वर्ड पर मिनट के साथ अंग्रेजी शॉर्ट हैंड का अच्छा ज्ञान और 40 वर्ड पर मिनट के साथ अंग्रेजी टाइपिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा कोर्स में डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 29 मार्च 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं आवेदन शुल्क का भुगतान करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है, जिस पर ही आधिकारिक वेबसाइट www.patnahighcourt.gov.in पर जाकर अभ्यर्थी अब आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे आलोक धनवा की। आलोक धनवा का जन्म 2 जुलाई 1948 ईसा में मुंगेर बिहार में हुआ था। वो हिंदी के उन बड़े कवियों में हैं जिन्होंने 70 के दशक में कविता को एक नई पहचान दी। उनका पहला संग्रह है दुनिया रोज बनती है, जनता का आदमी, गोली दागो पोस्टर, कपड़े के जूते और ब्रूनो की बेटियां हिंदी की प्रसिद्ध कविताएं हैं। अंग्रेजी और रूसी में कविताओं के अनुवाद भी हुए हैं। उन्हें पहल सम्मान, नागार्जुन सम्मान, फिराक गोरखपुरी सम्मान, गिरिजा कुमार माथुर सम्मान, भवानी प्रसाद मिश्र स्मृति सम्मान मिले हैं। पटना निवासी आलोक धनवा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में कार्यरत थे। बिहार में किसानों से 4 तरह की उपज खरीदेगी सरकार। बिहार के किसानों से 4 तरह की उपज को सरकार खरीदने की तैयारी कर रही है, जिससे टाल क्षेत्र के किसानों को अधिक लाभ होने की उम्मीद है। इसको लेकर राज्य सरकार धान गेहूं के बाद अब किसानों से चना और मसूर की खरीदारी भी करने वाली है, जिसका ऐलान सहकारिता विभाग की तरफ से कर दिया गया है। विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार किसानों से 52.30 पैसे की दर से चना और 55 रूपये की दर से मसूर की खरीदारी करने वाली है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब तक बिहार सरकार किसानों से केवल धान और गेहूं की खरीदारी का काम कर रही थी। इसी साल तो सरकार ने धान की बंपर खरीदारी की है, जिसकी ही सफलता को देखते हुए मसूर और चना की खरीदारी का निर्णय लिया गया है। बिहार के बदहाल एयरपोर्ट पर हाईकोर्ट ने जारी किया निर्देश। बिहार के कई एयरपोर्ट के विस्तार और भूमि अधिग्रहण और अन्य मुद्दों के मामलों को लेकर पटना हाईकोर्ट ने अब सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। इसके तहत ही अब राज्य के पटना स्थित जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट, पटना समेत राज्य के अन्य एयरपोर्ट के विस्तार और भूमि अधिग्रहण और अन्य मुद्दों के मामलों पर बीते दिन सुनवाई हुई। इस दौरान ही चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने गौरव सिंह समेत अन्य की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य के विकास आयुक्त को 2 सप्ताह सभी पक्षों के साथ बैठक कर इसका निर्देश दिया है। उम्मीद है कि अब इस मामले में अगली सुनवाई 3 सप्ताह के बाद होने वाली है। बिहार में अब बढ़ेगा जैविक गुड़ का उत्पादन। बिहार में अब जैविक गुड़ का उत्पादन शुरू होने वाला है, जो कि गुड़ के साथ आंवला, नीम, हल्दी, अदरक, सौंफ इत्यादि मिलाकर पौष्टिक गुड़ बनाने का काम होने वाला है। इतना ही नहीं, इसको लेकर गन्ना उद्योग विभाग गन्ने से जूस निकालकर उसे बोतल, ट्रेटा पैक और केन में भरकर बेचने वालों को प्रोत्साहित भी करेगी। ये घोषणा मंत्री प्रमोद कुमार ने की है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि कोरोना काल में बिहार लौटकर आए श्रमिकों के बीच रोजगार सृजन और गन्ना का उत्पादन बढ़ाने हेतु विभाग की तरफ से बिहार गुड़ उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति बनाई जा रही है। इसका प्रारूप तैयार कर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति हेतु कार्रवाई भी की जा रही है। बिहार में इस बार आम के शौकीनों के लिए बुरी खबर। अगर आप भी बिहार के रहने वाले हैं और आम के शौकीन हैं तो आपके लिए एक बुरी खबर है। आम के शौकीनों को इस साल आम का लुफ्त उठाने के लिए जेब ज्यादा ढीली करनी होगी, क्योंकि किसानों की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में आम के मंजर पर मौसम की मार पड़ी है। आम के पेड़ों पर पिछले साल की तुलना में 50-60% के मंजर देखने को मिल रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो इस बार बारिश और ठंड का प्रकोप देर तक रहने से ऐसा हुआ है, यानी कि इस बार आम की उत्पादकता पर भी असर पड़ने वाला है। ऐसे में उम्मीद अब यही है कि बाजार में आम की कीमत भी पिछले साल की तुलना में ज्यादा होगी। पिछले साल की अपेक्षा आम के पेड़ में कम मंजर लगने से किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। पहले सीट फुल, अब होली से पहले बिहार आने वाली कई ट्रेनें हुई रद्द।
होली का त्यौहार आने वाला है। वहीं त्यौहार के आगमन के साथ ही होली में बिहार आने वालों की तादाद भी बढ़ जाती है, क्योंकि कमाने खाने और पढ़ने के लिहाज से बाहर गए लोग इस मौके पर जरूर बिहार आते हैं। ऐसे में होली में वैसे ही घर लौटने वालों की भीड़ ट्रेनों में दिखाई देती है, जिसके कारण पहले ही ट्रेनें फुल भी हो गई हैं। वहीं अब ट्रेन बिहार जो आने वाली है उसमें से कई ट्रेनों का परिचालन ही रद्द हो गया है। इनमें मुंबई, दिल्ली आदि से बिहार के विभिन्न स्टेशन पर और बिहार के रास्ते गुजरने वाली गाड़ियां शामिल है। रेलवे की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज शिव की स्टेशन पर चल रहे नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण पूर्व मध्य रेल से गुजरने वाली एक दर्जन ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। कोरोना अनुदान को लेकर 1000 लोगों ने नहीं दिए आवेदन। कोरोना की तीन लहरों में बिहार के हजारों लोगों की जान गई है। हालांकि ये ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज शुरुआती दौर में किसी के पास भी नहीं था। यही कारण है कि इस बीमारी से जान गंवाने वालों के परिजनों की मदद के लिए बिहार सरकार ने अपना हाथ आगे बढ़ाया था, जिसके तहत ही जान गंवाने वाले आश्रितों को 50,000 रूपए से लेकर 4,00,000 रूपये तक की मदद की जा रही है। लेकिन इन सबके बीच स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया है कि बिहार के लगभग 1,000 से ज्यादा लोगों ने अनुदान के लिए आवेदन ही नहीं किया है। जदयू सदस्य नीरज कुमार के सवाल के जवाब में मंगल पांडे ने बताया कि कोविड के कारण राज्य के बाहर हुई मौत के मामले में राज्य सरकार आश्रितों को अनुदान उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है, लेकिन अब भी कई लोग आवेदन नहीं भर रहे हैं। इस साल भी बीएड की परीक्षा लेगा LNMU। बिहार में लगातार तीसरे साल बिहार राज्य प्रीपेड प्रवेश परीक्षा आयोजित कराने की जिम्मेदारी मिली है। इसको लेकर LNMU कुलपति प्रोफेसर SP सिंह ने कहा है कि तीसरे साल ये जिम्मेदारी मिलना हमारे लिए गर्व की बात है। उन्होंने इस बाबत कहा कि विश्वविद्यालय ने बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 का स्केड्यूल जारी कर दिया है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि राजभवन की तरफ से की गई है। वहीं विश्वविद्यालय की तरफ से बीएड परीक्षा 2022 का स्केड्यूल जारी होने के अनुसार 25 अप्रैल से आवेदन लिया जाएगा, जिसके तहत अभ्यर्थी 17 मई तक बिना विलंब के इसका फॉर्म भर सकते हैं। वहीं विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने की अंतिम तारीख 18 से 21 मई तक निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश ने पटना रिंग रोड और मीठापुर महुली रोड का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन मीठापुर महुली एलिवेटेड रोड की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने NH-83 के निर्माण कार्य का भी स्थल पर जाकर निरीक्षण किया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पटना महुली के बीच में 9 किलोमीटर से अधिक लंबा 4-लेन बन जा रहा है। इस परियोजना पर 800 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, इससे अधिक ही राशि खर्च की जा रही है। जमीन अधिग्रहण सहित कई समस्याओं से ये परियोजना हालांकि अभी तक जूझ ही रही है, लेकिन अब उम्मीद है कि इसका काम जल्द ही खत्म हो जाएगा। हालांकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री इन परियोजनाओं का निरीक्षण कर चुके हैं। इसको लेकर लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। अब उम्मीद है कि साल 2023 तक इस परियोजना का काम पूरा कर लिया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि इस एलिवेटेड रोड के बन जाने से कई इलाकों में जाम से भी मुक्ति मिलेगी। बिहार के कई संबद्ध डिग्री कॉलेज और उच्च माध्यमिक हाई स्कूल को लेकर सरकार ने लिया फैसला। बिहार के लगभग 227 संबंधी डिग्री कॉलेज और 677 उच्च माध्यमिक हाई स्कूल को लेकर सरकार ने बीते दिन बड़ा निर्णय लिया है, जिसके तहत ही सरकार ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में संबंध डिग्री कॉलेज के बकाए अनुदान का अब सशर्त भुगतान होगा। बकाए अनुदान का दावा करने वाले संबंध डिग्री कॉलेज की पात्रता की जांच होगी और उसी के आधार पर बकाए अनुदान का भुगतान होगा। इसको लेकर सरकार ने अपनी तरफ से 684 करोड़ रुपए की सहमति दे दी है। ऐसे कॉलेज की शैक्षणिक सत्र 2011-14 से लेकर 2014-17 तक का अनुदान बकाया है। अगले 3 दिन बाद प्रदेश में तापमान में होगी वृद्धि। बिहार में दिन प्रतिदिन तापमान में वृद्धि हो रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिनों तक तापमान में कोई बदलाव के आसार नहीं दिख रहे हैं। राज्य में पछुआ हवा का प्रवाह निरंतर जारी है। इसके प्रभाव से प्रदेश में अगले 3 दिनों तक मौसम शुष्क होने के साथ ही आकाश साफ रहेगा। इसके बाद तापमान में वृद्धि होगी। मौसम का मिजाज कमोवेश कोसी, सीमांचल और भागलपुर, बांका, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज में एक सा नजर आ रहा है। गर्मी से निजात के लिए राज्य में बारिश के अभी कोई आसार हालांकि दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगले 3 दिनों तक दिन और रात के तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। शिक्षक नियोजन में नेपाल के मैट्रिक प्रमाण पत्र होंगे मान्य। बिहार के शिक्षक नियोजन मामले में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने बड़ी राहत दी है, जिसके तहत ही शिक्षक नियोजन में नेपाल के शैक्षणिक प्रमाण पत्र को अब मान्यता दे दी गई है। इसको लेकर बिहार शिक्षा विभाग ने भी आदेश जारी कर दिया है। इसको लेकर ही शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज की तरफ से आदेश जारी किया गया है और साफ कहा गया है कि अभ्यर्थी अगर भारत के निवासी और उसने नेपाल स्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक प्रमाण पत्र हासिल कर लिया है, तो ऐसे मैट्रिक प्रमाण पत्र के आधार पर उस अभ्यर्थी ने केंद्र और बिहार के अन्य किसी भी राज्य के स्वीकृत और मान्यता प्राप्त पत्र विश्वविद्यालय बोर्ड से स्नातक शिक्षण, प्रशिक्षण और शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो ऐसे अभ्यर्थी शिक्षक नियोजन के लिए पात्र होंगे। युवा बेरोजगारों ने उग्र प्रदर्शन को लेकर सरकार को दे दी खुली चेतावनी।
एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सत्ता पक्ष के लोगों को बेरोजगार रैला करने की धमकी देते हैं, वहीं दूसरी तरफ बेरोजगार युवा भी इसे अछूते नहीं है। ये भी अपनी मांग को लेकर बुधवार को राजधानी पटना के नृत्यकला प्रांगण में पहुंचे और मुखर होकर अपनी मांग को रखते देखे गए और सरकार को खुली चेतावनी तक दे दी और कहा कि अगर हमारी मांग समय पर नहीं मानी गई तो हम शांति त्याग कर उग्र आंदोलन करेंगे। आपको बताते चले कि बुधवार को राजधानी पटना के नृत्यकला प्रांगण में राज्य भर के बेरोजगार युवा वहां एकजुट हुए थे। इस महासम्मेलन में तकनीकी सेवा आयोग, कार्यपालक सहायक सांख्यिकी स्वयं सेवक बीएसएससी 2014, सिपाही बहाली 2009, एसटीईटी 2019, पारामेडिकल अमीन, बीटीईटी, सीटीईटी सहित 20 से ज्यादा विभाग में नौकरी की बाट जो है बेरोजगार युवा शामिल थे। पटना के बुद्ध स्मृति पार्क में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। पटना रेलवे जंक्शन के पास ही 22 एकड़ जमीन में बुद्ध स्मृति पार्क बना है, जिसे बनाने में 125 करोड़ रुपए की राशि लगी है। इसमें 6 देश से लाए बुद्ध के अस्थि अवशेष की मंजूषाएं रखी गई हैं। यहां लेजर शो दिखाया जाता है, जिसमें रामायण, महाभारत, गौरवशाली इतिहास और भारत के महापुरुषों से जुड़े महत्वपूर्ण बातों को लेजर शो के माध्यम से दिखाया जाता है। ये देश विदेश के मुख्य आकर्षण केंद्र है। विपश्यना और मेडिटेशन सेंटर विशेष आकर्षण है। पार्क ऑफ मेमोरी खुला स्थान है, जिसमें कई देश के विशिष्ट स्तूप है। इसमें 5000 लोग बैठ सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी कई ऐसे आकर्षण यहां मौजूद हैं, जिसे देखकर आपको पर्यटन का आनंद मिलेगा। स्थानीय समितियों की बैठक में शामिल हो सकेंगे अब ये अधिकारी। बुधवार को प्रभारी मंत्री विजय कुमार चौधरी ने संजय सारावगी और अन्य के ध्यानाकर्षण में विधानसभा में इस बात का भरोसा दिलाया कि स्थानीय स्तर की समितियां 20 सूत्री समिति, नगर परिषद विद्यालय प्रबंध समितियों की बैठक में विधायक अपने प्रतिनिधियों को नामित कर सकेंगे। सभाध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने इस मामले पर आगामी सत्र के पहले सरकार को निर्णय लेकर सदन को अवगत कराने को कहा है। आपको बता दें कि लगातार ऐसी शिकायतें सामने आ रही थी कि स्थानीय समितियों की बैठक में खुद मंत्री, सचेतक, उपसचेतक या विधायक को शामिल होने में परेशानी हो रही है, जिसको कि अब प्रभारी मंत्री ने भी माना है, जिसके बाद ही मौजूदा प्रावधानों के अनुसार इन बैठकों में सदस्यों को ही खुद शामिल होना है। मनरेगा से संबंधित गलत जानकारी देने वालों पर 7 दिनों के अंदर होगी कार्रवाई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से मनरेगा योजना में गड़बड़ी की जानकारी दी गई थी, जिसके बाद ही अब सरकार को भी संदेह है कि इसमें कुछ गड़बड़ जरूर हुआ है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अल्पसूचित प्रश्न में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा में मनरेगा में सरकार की तरफ से दिए गए आंकड़ों को असत्य करार दिया था। यही कारण है कि आरोप सही पाए जाने पर अब कार्रवाई की बात कही गई है। इसको लेकर ही ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि अगर विभाग के अधिकारियों ने मनरेगा से संबंधित गलत आंकड़े दिए हैं तो 7 दिनों के अंदर अब उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई गलत जवाब देकर सदन को गुमराह नहीं कर सकता। सरकार ऐसे अधिकारियों से सख्ती से निपटेगी। विधान परिषद चुनाव में ललन सिंह ने संभाली कमान। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर के बिहार में तैयारियां तेज है। वहीं सभी दलों की तरफ से प्रत्याशियों के नाम भी फाइनल कर दिए गए हैं और बीते दिन से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। जदयू भी इनमें से एक है, जिन्होंने लगभग सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम को फाइनल कर दिया है। वहीं जदयू अध्यक्ष ललन सिंह को प्रचार प्रसार के काम में लगाया गया है, जिसकी शुरुआत भी बीते दिन से उन्होंने कर दी, जिसके तहत ही बीते दिन वो अपने संसदीय क्षेत्र वाली परिषद की सीट शेखपुरा में बैठक करते देखे गए, जहां उन्होंने पंचायती राज प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार का विकास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ है और हमें इसे आगे भी जारी रखना होगा। जदयू के उम्मीदवारों को अपना देखकर राज्य के विकास और ज्यादा रफ्तार दी जा सकती है। नीरज कुमार ने तेजस्वी पर बोला हमला। बिहार विधानमंडल में विपक्ष ने शराबबंदी कानून के नियमों में संशोधन के मुद्दे को खूब उठाया। इसको लेकर जदयू के विधान पार्षद नीरज कुमार ने भी बीते दिन बड़ा बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि शराबबंदी से विपक्ष के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। विपक्ष अभी भी शराब तस्करों के पक्ष में पूरी तरह दिख रहा है, जिसके बाद अब शराबबंदी को लेकर जो भी कानून बना है और जो भी संशोधन हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शराबबंदी लागू रहेगी, उसे कड़ाई से लागू करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। रोजगार के सवाल पर अपने पैतृक गांव को मापदंड मान लीजिए, हम लोग किसी की जमीन अपने नाम नहीं लिखवाए हैं। नौकरी देने का गलत आंकड़ा पेश कर रही है सरकार। बीते दिन बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक के बाद एक सवाल दागे, जिसके तहत ही उन्होंने सरकार को बेरोजगारों के सवाल पर सरकार को घेरने की कोशिश की, जिसके तहत उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत बिहार के लोगों को जो काम मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। सरकार भी जो जवाब दे रही है उसके आंकड़ों में गड़बड़ी है। इस पर जवाब देते हुए ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि यदि अधिकारियों ने गलत आंकड़े दिए हैं तो एक सप्ताह में हम जांच कर कार्रवाई करेंगे। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने खुद ही कहा है कि इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाए।
नल जल योजना में गड़बड़ी मामले में बीते दिन फिर घिरी सरकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक नल जल योजना को लेकर बिहार सरकार भले ही कई दावे कर रही हो, लेकिन यही योजना बीते कई दिनों से सवालों के घेरे में फंसी हुई है। कुछ दिनों पहले ही बिहार विधानसभा के बजट सत्र में इस योजना को लेकर सवाल उठाए गए थे और अब बीते दिन एक बार फिर से गड़बड़ी को लेकर भाजपा विधायक पवन जायसवाल ने खुद ही सवाल पूछे हैं, जिसके तहत उन्होंने सत्र के दौरान अपनी ही सरकार का घेराव किया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि नल जल योजना में राशि की भारी गड़बड़ी हुई है, या तो नल जल का कनेक्शन ही नहीं मिला है या फिर राशि की गड़बड़ी हो रही है। हालांकि उनके इन आरोपों का जवाब मंत्री सम्राट चौधरी ने दिया और उन्होंने कहा कि इस मामले को गंभीरता से देखा जा रहा है। पीएम आवास योजना के तहत 2 लाख नए लाभुकों को मिली पहली किश्त। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत राज्य के 2 लाख नए लाभुकों को आवास निर्माण के लिए पहली किश्त की राशि का भुगतान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य के 11,49,000 नए लाभुकों को आवास बनाने के लिए राशि दी जानी है। इनमें 2 लाख लाभुकों को 700 करोड़ से अधिक राशि का भुगतान कर दिया गया है, जिसके बाद ही अब बाकी बचे 9,49,000 को यह राशि भेजने की तैयारी चल रही है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इसको लेकर केंद्र सरकार से इस मद में स्वीकृति राशि की मांग भी ग्रामीण विकास विभाग द्वारा की गई है। जानकारों की माने तो केंद्र से अब तक राशि नहीं प्राप्त होने से राशि भुगतान में विलंब हो रहा है। आकाश चोपड़ा ने विराट कोहली को ही आरसीबी का कप्तान बनाने की उठाई मांग। आईपीएल 2022 के लिए 9 टीमों ने अपने कप्तान का ऐलान कर दिया है, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 12 मार्च को नए कप्तान की घोषणा करेगी। कोहली 2008 से ही बैंगलोर के कप्तान थे, लेकिन पिछले ही सीजन में उन्होंने कप्तानी छोड़ दी थी। आरसीबी के कप्तान बनने की रेस में इस बार ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल और साउथ अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज फॉफ डुप्लेसिस शामिल है, लेकिन ऐसी संभावनाएं हैं कि डुप्लेसिस टीम की कमान संभाल सकते हैं। कोहली अब बतौर बल्लेबाज टीम के लिए खेलेंगे। इस बीच पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा का मानना है कि कोहली को बतौर कप्तान एक और मौका मिलना चाहिए। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। महात्मा गांधी 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार आज ही के दिन किए गए थे। भारत ने 1985 में बेंशन एंड हेजिस क्रिकेट विश्व कप जीता था। यूक्रेन के वेसिली वांचुक को हराकर विश्वनाथन आनंद 2007 में शतरंज में प्रथम स्थान पर पहुंचे थे। भारतीय संसद की ऊपरी सदन राज्यसभा में 2010 में महिला आरक्षण विधेयक पारित हो गया था। प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता माधव राव सिंधिया का जन्म 1945 में आज के दिन हुआ था। 1932 में अंतरिक्ष वैज्ञानिक और इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के भूतपूर्व अध्यक्ष उडुप्पी रामचंद्र राव का जन्म हुआ था। नारी शिक्षा की प्रणेता, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रसिद्ध कवियत्री सावित्रीबाई फूले का 1897 में निधन हुआ था। व्हाट्सएप पर बदलेगा फोटो शेयर करने का अंदाज। व्हाट्सएप अपने यूजर के लिए लगातार नए नए फीचर्स को लाता रहता है। इसी कड़ी में अब कंपनी यूजर के लिए एक नया फीचर लेकर आई है। नए फीचर में यूजर को इन ऐप इमेज एडिटर्स में एक ब्लर टूल ऑफर दिया जा रहा है। इसकी मदद से यूजर पूरी इमेज या फिर इमेज के सिलेक्टेड हिस्से को ब्लर कर सकते हैं। इस फीचर को अभी कंपनी केवल iOS में ऑफर कर रही है। WA Beta इन्फो की माने तो कंपनी ने इस फीचर को एंड्रॉइड यूजर के लिए बीटा वर्जन 2.22.7.1 के साथ रिलीज करना शुरू कर दिया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है विजय घायल, रणधीर कुमार, गौतम कुमार, बबीता यादव, काजल राज, मिथुन कुमार, पंडित अंजलि प्रेजेंट, चंद्रशेखर, मनीष कुमार, दिव्यांशु कुमारी, राजेश रॉय, बबीता यादव, मंजीत पांडे। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में छात्राओं की शिक्षा में बिहार सरकार की तरफ से किए गए कामों से आप संतुष्ट है या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।